नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चाहो तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ लेटेस्ट 6 रुपये पैनी स्टॉक। आज तक कभी मैंने इस पर बात नहीं करी है, और क्या यह स्टॉक अगला TTM हो सकता है? देखो दोस्तों, जो स्टॉक है फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक अच्छा नहीं है। जैसे आपको पता है TTML कंपनी लगातार लॉस दे रही थी, उसके बावजूद आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। और आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हर कोई स्टॉक TTML नहीं हो सकता। एग्जैक्टली हर स्टॉक TTML नहीं हो सकता, लेकिन TTML का 1% तो हो सकता है ना। कहने का मतलब अगर TTML आपका 10 गुना हुआ है तो ये 2 से 3 गुना तो हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं आपको अभी एक स्टॉप लॉस बताऊंगा, तो चाहो तो आप स्टॉक में 10 रुपये 20 रुपये के टारगेट के इंतजार कर सकते हो, अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, क्योंकि ये प्योर टेक्निकल पोर्शन है। क्योंकि जो भी स्टॉक अगर फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर ऊपर नहीं जाते तो वो टेक्निकल पार्ट के आधार पर ऊपर जाते हैं। अब टेक्निकल पार्ट क्या है, ये समझ लो कि भैया चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है, ठीक है, स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ड्राइव फैक्टर होते हैं जो न्यूज आती है उसके वजह से, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इन सबको मैं मिलाता हूँ तभी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। सुजलॉन देख लो, जेफी इंफ्राटेक देख लो, ये सभी स्टॉक ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज ड्रिवन है, साथ में चार्ट पैटर्न अच्छा लगता है, इसलिए ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। मेटलिस फ्रॉजिंग लिमिटेड है, ठीक है, और चाहो तो कंपनी के बारे में डीप स्टडी कर सकती हूँ। वैसे मेरा देखो अनुमान ये है कि मैं स्टॉक को शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए बाय करने वाला हूँ, ना कि लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। अभी 6 रुपये 80 पैसे ट्रेड कर रहा है, मार्केट के 29 करोड़ का है, हाई 8 रुपये का, 4 रुपये का लो है, और देखो अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0 का है, साथ में देख सकते हो कंपनी अच्छे नंबर दे सकती है, और देखो 64 करोड़ की सेल्स से है, लगातार आपको लॉस ही दे रही कंपनी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कंपनी लॉस मेकिंग है, राइट। बैलेंस शीट देखो, रिजर्व नेगेटिव है, डेट इंक्रीज हुआ है, तब भी ये स्टॉक अच्छा क्यों लगता है उसका एक रीजन है, भी आपको बताऊंगा, बने रह सकती हूँ। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो 61% है, और ये एक बार प्लीज से एक बार चेकआउट कर लेना कि प्लेज है या नहीं है। मेरे हिसाब से प्लेज नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर शो नहीं कर रही है अभी, राइट। पब्लिक की होल्डिंग 38% है, ठीक है। तो ये देखो स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से ओके ओके, इतना अच्छा भी नहीं है जैसे TTML था। अब ये स्टॉक अच्छा मुझे क्यों लगता है, उसका एक बात रीजन है इसका चार्ट पैटर्न। तो अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे, राइट, तो आप देख सकते हो क्लियरली स्टॉक लास्ट 2 सालों से एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इसी रेंज में स्टॉक को एकुमुलेट किया जा रहा है, और यही एक रीजन बनता है मेरा स्टॉक को रिकमेंड करने का, और कुछ रीजन नहीं है। अगर स्टॉक को नीचे गिरना होता ना तो ये स्टॉक कब का नीचे गिर के नीचे आ जाता 1 रुपये के लेवल्स में, लेकिन यहाँ से टाइम बिता लिया 2 साल, इसका मतलब कुछ बड़ी गेम यहाँ चल रही है, ठीक है, बड़ी गेम यहाँ पर चल रही है। अगर आप इसको मंथली में देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार सच में इसमें एक बड़ी गेम चल रही है, ये स्टॉक अपना जो लोज है उसको एज अ सपोर्ट काम करके ऊपर जा रहा है। बाबा देखो सपोर्ट काम करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको बेचना नहीं है, ठीक है। मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ स्टॉक को बाय करने के, मैं बाय कहाँ करूंगा, मेरे हिसाब से अगर आप बाय करना चाहती हो तो स्टॉक को यहाँ कहीं भी बाय करके चल सकती हो 7 रुपये के लेवल्स में। देखो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको 4 रुपये 74 पैसे का, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 3 रुपये 60 पैसे का। तो ये शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है, ये है शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, ठीक है, और ये है लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस। अब इन दोनों में से आप जो मर्जी स्टॉप लॉस अप्लाई कर लो, ठीक है। ये जो रेंज है इसका 10x का आपका टारगेट रहेगा, तो इसका जो रेंज निकल के आता है मोटामोटी 2.5 रुपये निकल के आता है। अब 2.5 रुपये का जो 10x होता है वो 25 रुपये होता है, तो 7 रुपये में 25 रुपये जोड़ दो, वो मेरा फाइनल टारगेट है 35 रुपये का। अब आप बोलोगे सर ये तुक तो बनता ही नहीं है, तो दोस्तों बहुत सारे पैनी स्टॉक इसके इसी पैटर्न में आपको दिया था, सिंटेक्स इंडस्ट्री ऊर्जा ग्लोबल, उन्होंने 2020 में धूम मचा दी है। तो ये 2 मात्र एग्जाम्पल ही, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जेपी इंफ्राटेक, A2Z इंफ्रा, सुजलॉन, सभी उसी पैटर्न से दिए गए थे, इसी पैटर्न से, और काम करता है पैटर्न, ठीक है। 7 रुपये, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं 35 रुपये नहीं रुक सकता तो 9 रुपये पहला टारगेट है, प्रॉफिट बुक कर लेना, 11 रुपये का दूसरा टारगेट और 13 रुपये का तीसरा टारगेट है, 9, 11, 13 किसी में भी प्रॉफिट बुक कर लेना। और अगर आपको रुकना है तो 35 रुपये का फाइनल टारगेट है, वहां आप रुक सकते हो अगर रुकना है आपको, या फिर एक काम करना, 7 रुपये में आपकी एंट्री होगी, 14 रुपये में बेच देना,
ठीक है, ये सिंपल कर लो। 14 रुपये से शॉप को जाना है अगर हमारा स्टॉप क्लोज नहीं होता है, 14 रुपये से शॉप को जाना है अगर हमारा स्टॉप क्लोज नहीं होता, 4 रुपये 74 पैसे और 3 रुपये 65 पैसे। अब आपको जो लगाना आप लगा सकते हो, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये सिर्फ एक टेक्निकल पार्ट है और मेरे हिसाब से स्टॉक आराम से आपको 14 रुपये दिखा सकता है, क्या पता स्टॉक ये दिखा दे आज तक 24 रुपये तक दिखा दे, ठीक है। बाकी आपकी अपनी रिसर्च, आप प्लीज एक बार खुद की समझदारी से पैसा डालना। मैं खुद स्टॉक को प्लान कर रहा हूँ बाय करने की, अब देखते ही मैं कब बाय करता हूँ, ठीक है। अपने अकाउंट पे तो नहीं करूंगा, एक दूसरे अकाउंट में करूंगा, भाई भाई के किसी के। तो डेफिनेटली आप इस छोटे से 7 रुपए के पेनी स्टॉक को नजर में रख सकते हो, जो अगला टीटीएमएल हो सकता है। टीटीएमएल का 110 तो बन सकता है, मतलब टीटीएमएल अगर 200 हुआ है तो ये 20 से 25 रुपए जा सकता है, जो कम नहीं है, बहुत है भाई, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने आपको था ना, A2Z इंफ्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो रिटर्न में रिटर्न दे रहे हैं। देखो ये स्टॉक यहाँ से कहाँ पहुंच गया, ठीक है। आपका सिंटेक्स इंडस्ट्री देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ठीक है। आई नो उसमें न्यूज चल रही है, देखो यहाँ रिकमेंड किया था, यहाँ से 110 आ चुका है। ये मेरा बाय प्राइस था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये 110 आ चुका है, ठीक है। ऊर्जा ग्लोबल दिखा देता हूँ, 5 रुपये का स्टॉप लॉस था, 6 रुपये 25 पैसे का बाय था, 80 पैसे का यहाँ बाय था, ठीक है। ये बाय था, ये स्टॉप लॉस था, ठीक है। इसका 10x देखो आ चुका है, 10x, ये रेंज का 10x देखो, 10x, ठीक है। कोई कोई स्टॉक बहुत जल्दी आ जाते हैं, कोई कोई स्टॉक बहुत टाइम लगाते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है तो मार्केट के में, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका सेक्टर कौन सा है, ये सब डिपेंड करता है इन चीजों पे भी, राइट। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और साथ में सबसे एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें वॉल्यूम कैसा आ रहा है, ठीक है। NSE/BSE में कैसा काम का चल रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो NSE में देखो टेक्निकल ग्लिच के शो नहीं करता है, ये दिक्कत आती है। BSE में देख लेते हैं, ठीक है। तो BSE में GSM स्टेज में नहीं है, ये 0 में आता है। बाकी यहाँ देखो वॉल्यूम थोड़ा कम है BSE, लेकिन NSE वॉल्यूम है, राइट। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, चाहो तो स्टॉक को नजर में रख सकते हो, फ्यूचर में आप इसके बारे में आपको अपडेट करवाता रहूंगा। तो डेफिनेटली आप चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकती हो। बाकी जिनको नहीं पता है, हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए तो मेक श्योर आप मुझे मैसेज कर देना मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, जो हर संडे क्लास होती है उसके प्राइवेट क्लास के लिंक्स आपको मैं दे दिया करूंगा। तो मेक श्योर आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।